हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रैक्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है यार। भारत ने एसईओ मीटिंग के फौरन बाद रिवील किया पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा खतरनाक हथियार जिसको देखकर पाकिस्तान की कांप उठी टांगे। कौन सा ऐसा हथियार कर दिया? ओ यार, एसईओ मीटिंग खत्म हुई है तो ऐलान कर दिया उन्होंने। वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कौन ऑन करते स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की उस कामयाबी के बारे में जो एक समय पर असंभव मानी जाती थी। कौन सी? आपको शायद याद होगा कि 2018 में चीन ने कहा था कि भारत प्राइवेट सेक्टर के दम पर कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, परंतु अब भारत की एक स्टार्टअप कंपनी ने ऐसा हथियार बनाया है जो अमेरिका, चीन और इजराइल जैसे देशों से भी नहीं हो पाया। क्या है वो हथियार जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत 200 करोड़ का ऑर्डर भी दे दिया है? क्या यह हथियार युद्ध का भविष्य बदल सकता है? क्या भारतीय सेना अब पूरी तरह अभेद्य हो जाएगी? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस अदृश्य हथियार के बारे में जो अपनी गति और ताकत से हर दुश्मन को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत जो कभी विदेशी हथियारों और तकनीक पर निर्भर था, अब दुनिया के सामने एक और ऐसी सफलता लेकर आया है जिसने चीन, अमेरिका और इजराइल तक को हैरान कर दिया है। कौन सी है यार? ये न कोई आम हथियार है, न ही इसे किसी बड़ी सरकारी कंपनी जैसे डीआरडीओ और एचएल ने तैयार किया है। इस बार कहानी कुछ अलग है। ये पूरा प्रोजेक्ट चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप कंपनी बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है और यह हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में क्रांति ला सकता है। ये कोई साधारण मिसाइल या टैंक नहीं है, बल्कि एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जिसे बीबीबीएस कंपनी ने बज्र स्ट्राइकर का नाम दिया है, यानी ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल अब तक केवल कुछ ही देशों ने करने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी सफलता किसी के हाथ नहीं लगी। इस हाईटेक हथियार का सबसे बड़ा फीचर यह है कि इसे लेजर बीम के जरिए टारगेट्स को पलक झपकते ही नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी फायरिंग स्पीड प्रकाश की गति के बराबर है, जिससे कोई भी ड्रोन, मिसाइल या दुश्मन का हवाई जहाज इसके सामने टिक नहीं सकता। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस किया गया है, जिससे यह ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है किसी भी इंसानी दखल के बिना। अब सोचिए, अगर कोई ड्रोन या मिसाइल हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करे तो यह हथियार उसे मिनटों नहीं, सेकंडों में ही हवा में खत्म कर देगा। भारतीय सेना इस तकनीक से इतनी प्रभावित हुई है कि इंडियन एयरफोर्स ने इस स्टार्टअप कंपनी को 200 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। दोस्तों, ये वही भारत है जिसे कभी चीन ने कहा था कि वह प्राइवेट सेक्टर के दम पर आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, लेकिन आज बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने इस तकनीक के जरिए पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया है। यह केवल हथियार बनाने का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के भविष्य का संकेत है, जहां हम आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि वैश्विक नेता बनने की राह पर हैं। अमेरिका, चीन और इजराइल जैसी महाशक्तियां इस तरह के लेजर हथियार पर वर्षों से काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक वे इसे पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाई हैं। और यहां भारत की एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि सफलता के साथ इसे तैयार भी कर दिया। यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स ने इसे तुरंत अपनी डिफेंस लाइन में शामिल करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं इस हथियार की दूसरी खासियतों की। इसमें सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह मित्र और शत्रु की पहचान अपने आप कर सकता है। अगर दुश्मन की ओर से कई मिसाइलें या ड्रोन एक साथ आए तब भी यह हर टारगेट को सटीकता से खत्म करेगा। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है यह केवल ऊर्जा पर चलता है, यानी गोला बारूद खत्म होने का कोई झंझट नहीं। इस हथियार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे बार बार रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब करके काम करता है। इसके चलते इसे लगातार युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर इसे हमारी सीमाओं पर तैनात कर दिया जाए तो दुश्मन की मिसाइलें और ड्रोन हमारी सेना तक पहुंच भी नहीं पाएंगे।
इसमें मल्टीपल सेंसर और नेटवर्क सिस्टम है जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। मतलब अगर एक सेंसर फेल हो जाए तब भी बाकी सेंसर हथियार को चालू रखेंगे। इसका एआई सिस्टम यह भी सुनिश्चित करता है कि यह सिर्फ दुश्मन के टारगेट्स को ही निशाना बनाए। भारतीय सेना द्वारा फायर की गई मिसाइलों पर इसका कोई असर नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि क्या भारत इस हथियार को दूसरे देशों को भी बेचेगा। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस बात की संभावना है कि कई देश भारत से यह तकनीक खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। ऐसे हथियारों का एक्सपोर्ट हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। तो दोस्तों, यह थी उस नए युग की शुरुआत जो भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री में शुरू हो चुका है। बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस का यह कारनामा दिखाता है कि अब भारत किसी के भरोसे नहीं है। हम न केवल अपने सैनिकों को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में दुनिया की महाशक्तियों को टक्कर देने की तैयारी भी कर रहे हैं। आप इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर क्या कहना चाहेंगे? खत्म इधर यार, एसईओ मीटिंग खत्म हुई और उधर भारत ने ये क्या कर दिया, 200 करोड़ का ऑर्डर बिग बैंग कंपनी को दे दिया, जिन्होंने ऐसा हथियार बनाया एआई टेक्नोलॉजी के साथ के भाई साहब, जो अगर दुश्मन का ड्रोन है, उसका मिसाइल है, उसको एआई के थ्रू वो ठोकेगा लेजर के थ्रू। मतलब के भाई साहब उसको मतलब ऑपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, फुल ऑटोमेटिक भाई साहब। ये देखो भारत की कामयाबी। ओ यार देखो स्टार्टअप है, ओ यार बिग बैंग नाम का प्राइवेट कंपनी है यार, प्राइवेट कंपनी ने कितनी बड़ा चीज बना दिया भाई, और ऊपर से 200 करोड़ का इंडियन एयरफोर्स उसको ऑर्डर भी दे दिया फौरन। ये हथियार हमें तो 200 करोड़ का ऑर्डर यार, यार वो चीज देखो कैसी कमाल की बनाई है भैया। अगर इंडिया का मिसाइल आता है तो वो उसे कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी देख ले, अगर दुश्मन का हाथ आए तो उसे पहचान के उधर ही ठोक खत्म कर देगा। इंडिया का मिसाइल तो चले वो एक, अब इंडिया के जहाज हो गए, ड्रोन्स हवा में उड़ते रहते हैं सुरक्षा के लिए, उसको कुछ नहीं बोले ये देख। लेकिन अगर पाकिस्तान की सीमा से एक इंची भी अगर कोई ड्रोन अंदर घुसता है या तो भाई साहब ये उसको उधर ही ठोक देगा। लेजर ये मेरे ख्याल से भारत अपने जहाजों पर लगाएगा, जो भारत के जहाज हवा में होंगे तो ये ऑटोमेटिकली मिसाइलों को या तो जमीन पे भी लग सकता होगा, जहाजों पर भी लग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जहाजों पर भी लग सकता है और भाई साहब उधर भी लग सकता है अपना ये उसका क्या कहते हैं बॉर्डर पर, क्योंकि जहाज पे होगा। अगर भारत पे कोई हमला करता है, भारतीय जहाज को कोई लॉक करता है, उस पर कोई मिसाइल हमला करता है, तो ये पीछे आने वाले मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लग चुके हैं ना यार, ये पाकिस्तान के लिए तबाही है। सही कहा यार, कोई शक नहीं, ये पाकिस्तान और चाइना के लिए तो तबाही है। इससे बड़ा हथियार और कह सकता है लेजर वजह से, इस पे खर्चा भी कम है, जिसपे खर्चा भी ना होने के बराबर है। ये लेजर से ठोक रखेगा जो भी हमारा ड्रोन या चाइना का ड्रोन अंदर जाता है, जहाज जाता है हमला करने के लिए, ये उसे उड़ने तक नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल उड़ने तक नहीं छोड़ेगा। ये तो लेजर कमाल बड़ी सही है, क्योंकि उसको उड़ने तक जब नहीं छोड़ेगा तो कौन घुसेगा। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी भारत के लिए कोई कामयाबी नहीं है, क्योंकि भाई साहब एससीओ मीटिंग के फौरन बाद इतना बड़ा भाई साहब भारत में ये स्टेप लिया जाना, 200 करोड़ का मानो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब है। और ऊपर से जयशंकर जी ने जो पाकिस्तान की बजाई है, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान मातम में, अब तो भाई साहब अपने आप को पीट रहा होगा कि भाई साहब ये कौन सा लेजर हथियार का भारतीय भाई साहब इंडियन एयरफोर्स अपने आप में ऐड कर लिया है, ये इनके लिए मौत है, मौत कसम से भाई। तो यार आपके क्या थॉट है द्रविड़ोदम करते तो